सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सत्र 2018 से बीएससी नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट्स को संस्थान अब 4 वर्ष तक सिविल सेवाओं की भी तैयारी करा रहा है। जी हाँ, ऐसा पहली बार है जब कोई नर्सिंग संस्थान स्नातक नर्सिंग कोर्स के साथ छात्र छात्राओं को नर्सिंग के अलावा IAS, PCS जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए भी तैयारी कराएगा। अच्छी बात यह है कि पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग संस्थान BSc नर्सिंग के ही शुल्क में सिविल सेवा की तैयारियों का प्रशिक्षण देगा और इसके लिए संस्थान द्वारा विशेषज्ञ फैकल्टी की भी व्यवस्था की गई है। पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के निदेशक राजेश कुमार गुप्ता ने इस संबंध में विस्तार से बताया। सेशन शुरू कर रहे हैं, इसमें हम एक ऐसी चीज को जोड़ रहे हैं जिससे बच्चा मेहनत करे और मेहनत करके केवल नर्सिंग के फील्ड में ही नहीं, अगर उसकी मेहनत कुछ अच्छी है, उसे मेहनत करते करते उसे अपनी डेस्टिनी समझ में आ जाती है तो वो देश के सर्वोच्च स्थानों पे भी अपना योगदान और अपना जॉब पा सकता है। हम इस बार IAS PCS की तैयारी साथ साथ कराएंगे। 4 साल का हमारा BSc नर्सिंग का कोर्स है, 4 साल के दौरान उसको हम BSc नर्सिंग की पढ़ाई भी पढ़ाएंगे और साथ ही साथ उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कराएंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने के लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ बच्चा तकरीबन 17 और 18 साल की उम्र में एडमिशन लेता है, तो 4 साल के बाद जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा तो उसके पास IAS और PCS की तैयारी के एग्ज़ाम देने के लिए वो दोनों एलिजिबिलिटी होंगी और वो बड़े आराम से उसको 4 साल की संपूर्ण तैयारी के बाद क्रैक करने के लिए, उसे पास करने के लिए अपने आप को बड़ा सक्षम महसूस करेगा। हमारा मानना ये है कि अगर उसमें से कुछ विद्यार्थी भी अच्छी पोजीशन लाके सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं तो उनके लिए एक जीवन का बहुत बड़ा उपलब्धि होगी, और जो लोग नहीं भी पहुंच पाते तो उनके लिए उपलब्धि इस तरह से होगी क्योंकि उनकी सोच, उनका नॉलेज बेस इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपना नर्सिंग के फील्ड में भी एक बहुत अच्छी काबिलियत के साथ समाज को, देश को अपनी सेवाएं दे पाएंगे। और इसके साथ ही उनको एक और नया विकल्प मिलेगा कि अगर वो चाहें तो वो और बहुत अच्छी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जहां ग्रेजुएशन लेवल की एंट्री होती है वहां पे भी जा सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ साथ नर्सिंग का एक अच्छा पाठ्यक्रम पढ़ने का, क्योंकि इस समय ग्रेजुएशन में नर्सिंग का पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और जब बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद उसके मन में आता है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लूँ तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि 3-4 साल की तैयारी के बाद भी अगर वो कर लेता है या नहीं कर पाता है, दोनों ही दशा में उसको टाइम बहुत लग जाता है, और अगर नहीं कर पाता तो वो फिर से एक 0 स्क्वायर पर आ जाता है। तो हमारा कहना यह है कि वो भी कंटिन्यू रखाएंगे और उसको परीक्षा भी दिलाएंगे सिविल सर्विसेज की। तो सुना आपने, वाकई ऐसी व्यवस्था किसी अन्य नर्सिंग संस्थान में हो जहां BSc नर्सिंग के कोर्स के साथ साथ आप देश के सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं का भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल, नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले के इच्छुक सभी अभ्यर्थी पुष्पांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस खास ऑफर का अभी भी लाभ ले सकते हैं। सेलिब्रेशन टीवी, इवेंट्स ऑफ अ लाइफ।